गुप्ता जी, क्या प्लान है कल का? हम तो सवेरे उठते ही ठेके पे जाएंगे और 10-15 बोतल दारू पियेंगे, 100-200 बोतल घर पे लेके आएंगे। एक महीना घर पे बैठे बैठे दिमाग का कताई दही हुई गया है हमारा तो। पापा जी, हम भी चलेंगे घर पे बैठे बैठे, हम भी बोर हो गए हैं। बेटा चुपचाप ऐसा ही बैठे रहो घर पर शांति से, ज्यादा चुपट चुपट करोगे तो ऐसा कंटा मारेंगे ना, पुराने क्लासों में पहुंच जाओगे अभी के अभी। कल से तुम्हारे लिए किताबें भी ला देंगे और तुम पढ़ो बैठ करके और स्कूल जाओ। हे भगवान, लॉकडाउन और बढ़ा दो, मैं आपके लिए 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हे बादाम सिंह, समझा इसको, इतने दिनों से बैठे बैठे घर में दिमाग खराब कर दिया है मेरा, अब लॉकडाउन खुला है तो स्कूल नहीं जाएंगी अम्मा। भैया, मेरा हॉटस्पॉट क्यों यूज कर रहे हो? मेरा नेट खत्म कर देगा, फिर अपना यूज करेगा, मेरा टाइम कैसे कटेगा फिर? अबे कल तूने मेरा नेट यूज करा था, भूल गया क्या? आज मैं तेरा नेट यूज करूंगा, मेरा तो खत्म हो चुका है। देखो पापा, अभी हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है और ये नेट खत्म कर देगा, तो बताओ हम ऑनलाइन क्लास कैसे लेंगे और कैसे होगी हमारी पढ़ाई? चुप। हाँ बहुत देखा है मैंने, तू ऑनलाइन क्लास लेता है, गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉलिंग लगा देता है और हम चमचे बोल देता है हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। लाइन पर रहना गुप्ता जी, लाइन पर रहना, अभी बताते हैं। वो गर्लफ्रेंड है, भूतनी लगती है, भूतनी। तेरी बाली सुन, बहुत सुंदर है, तेरी बाली तो बिल्कुल चुड़ैल लगती है। ठीक है गुप्ता जी, बाद में बात करते हैं, लगता है हमारे यहाँ महाभारत शुरू हो गया है, खत्म करा दे जरा। तुम दोनों चुपचाप शांति से बैठ जाओ, बता दे रहा है, वरना पलट मारेंगे, जुतियाएंगे पकड़ के। ठीक है पापा जी, बैठ जाएंगे शांति के साथ, पहले शांति जी को बुलाओ तो। हमें नहीं पता भैया, हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं तुम लोगों से, इस समय हमारा जीवन कतई नरक हो गया है। नरक? नरक क्या होता है पापा जी? नरक जानता है बेवकूफ, इस समय हम नरक में जी रहे हैं, नरक में। इधर तुम लोग हमारा दिमाग चाटते हो, उधर तुम्हारी मम्मी जुतियाती है हमें। क्या कहा, नरक है? नरक है तो यहाँ से चले जाओ, बाहर पुलिस वेट कर रही है, खाओ जाके डंडे। अरे नहीं नहीं बाबू, हम तो मजाक कर रहे थे, अभी हम झाड़ू लगाने ही जा रहे थे, ये लोग बातचीत करने लगे तो हमको इनको समझाने लगे थे। क्या कहा, झाड़ू लगने जा रहे? मतलब अभी तक झाड़ू लगी ही नहीं है, वहाँ कपड़े पड़े धुलने के लिए, वहाँ पर बर्तन पड़े हैं, यहाँ पर झाड़ू लगने को पड़ी है, और तुम यहाँ पर नई नई दुल्हन की तरह मेहंदी लगा के बैठे हो। लाओ हल्दी और थोप दे तुम्हारे धोपड़े पे। मम्मी पापा का कल प्लान फिक्स हो चुका है, कल से अय्याशी शुरू कर देंगे, अभी फोन पे बात कर रहे थे गुप्ता जी से, कह रहे थे कल मुझे आजादी मिल जाएगी। अभी दिलाते हैं तुमको आजादी, रुको जरा तुम। अरे अरे, हम तो ऐसे ही चेक कर रहे थे कि कॉल जा रही है नहीं जा रही है, हम कहा नाराज हुए जा रही हो, ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा है, उठो यहाँ से और सूजी लेके आओ, चलो बहुत दिन से गोलगप्पे नहीं खाए हैं, तुम बना के खिलाओगे हमें। अरे देखो ऐसा है, हम बाहर नहीं जा पाएंगे, सुबह सुत्ता मारने गए थे, पुलिस वालों ने धर लिया हमें, और तुम्हें यहाँ पर सूजी की पड़ी है, ऐसा है और कोई टक्स दे दो, सूजी पूजी हम नहीं ला पाएंगे। जाओगे कैसे? नहीं अभी रुको। ऐसा है, अपने दोनों बेटे में से एक को भेज दो, मन को शांति मिलेगी, तन आनंदित हो उठेगा बाहर जाकर, साले घर पे बैठे बैठे दिमाग खाते हैं अपने बाप का। जा बेटा चटनी, देख क्या बाहर लाल किला साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सच में ऐसा है या फिर झूठ बोल रहे हैं सब लोग? शर्म नहीं आती, बच्चों को बाहर भेज रहे हो पिटवाने के लिए। हे भगवान, जाने कितने महापुरुषों ने अपने बलिदान के लिए अपने बच्चों को आगे नहीं भेजा, और तुम अपने बच्चों को पिटवाने के लिए भेजे जा रहे हो। अच्छा जा रहे हो, रुको बिग बॉस देख ले, 10 बज गए, रुको थोड़ा। ए चटनी टीवी ऑन कर। आज के ताजा समाचार इस प्रकार है, नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, कृपया अपने घरों में ही बैठे रहे, बाहर ना निकले नहीं तो पुलिस वाले पिछवाड़ा तोड़ देंगे, धन्यवाद। अरे वाह, मेल भी पूरी हो गई, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, वाह मजा आ गया मजा आ गया। और हम बोतल भी नहीं ला पाए, अब तू बहुत खुश हो रहा है, तूने ही प्रसाद चढ़ाया है, अभी चटनी तुझे उठा के फेंकता हूँ टीवी के अंदर, तू रुक। ये लो टीवी भी फोड़ दिया, अब कैसे कटेंगे 19 दिन और।